हिंदुस्तान में करोड़ों स्टूडेंट्स, करोड़ों दफ्तर और करोड़ों उपभोक्ता सरकारी सुविधाओं के, रोज करोड़ों लोगों की भागदौड़, रोज करोड़ों कागजों की लेन देन, स्कूल लीविंग, डिग्री सर्टिफिकेट, बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स बिल, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई देते देते थक जाता है तो कोई लेते लेते, कहीं डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने का खतरा तो कहीं उन्हें खो देने का डर, और कहीं एक आध डॉक्यूमेंट भूल गए तो इससे बड़ा अपराध तो कोई हो ही नहीं सकता। पेपर वर्क की इस दौड़ में कोई मिल्खा सिंह बन जाता है तो कोई पीटी उषा, और माफ कीजिएगा पर कहीं बाढ़ भूकंप जैसी आपदा आ गई तो बेचारा गरीब इंसान तो उन कागजों के साथ अपना अस्तित्व भी खो बैठेगा। अरे बस यही सब करता रहेगा इंडिया तो काम कब करेगा। इसलिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को दी है एक सिक्योर्ड और सरकारी संस्थानों द्वारा अधिकृत ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग की सुविधा, डिजी लॉकर। आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स की लेन देन तो ईमेल और अन्य किसी डॉक्यूमेंट शेयरिंग पोर्टल्स या क्लाउड स्टोरेज एप्स से भी मुमकिन है, लेकिन आज के डिजिटल युग में नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक ऐसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग की सुविधा है जो सरकार द्वारा अधिकृत हो। इसलिए अब अपने सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके एक डिजिटल लॉकर में अपलोड करिए और उन्हें सिर्फ एक क्लिक के साथ शेयर करिए किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ, क्योंकि उनको शेयर करने से सिर्फ देखने और प्रिंट निकालने की अनुमति होगी प्रदान। मतलब छेड़छाड़ का तो सवाल ही नहीं उठता। केवल आप ही नहीं, सरकार भी करेगी। आपको भेजे हुए हर एक डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल कॉपी को इस लॉकर में अपलोड। यही तो बनाता है डिजिटल लॉकर को बाकी सारे क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन से अलग। इस फीचर से डिजिटल लॉकर बन जाएगा ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम जिसके द्वारा सरकार आपको भेज पाएगी आपसे संबंधित जरूरी ई डॉक्यूमेंट्स। इतना ही नहीं, आने वाले समय में विभिन्न सरकारी संस्थानों के ऑनबोर्ड आ जाने से किसी भी शेयर किए गए ई डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता की पुष्टि भी की जा सकेगी, तो अब ना उठेगा कागजातों की सुरक्षा का सवाल और जरूरत पड़ने पर आप तुरंत ही उन्हें एक्सेस भी कर पाएंगे। पर यह सब होगा कैसे? सिर्फ अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए www.digitallocker.gov.in पर रजिस्टर करिए या फिर सीधे पहुंच जाइए नजदीकी CSC सेंटर पर, जहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अथवा मोबाइल नंबर से होगा आपका रजिस्ट्रेशन। इतना ही नहीं, जिन नागरिकों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें भी मिलेगा इस सुविधा का लाभ। अपने मोबाइल नंबर और उस पर उन्हें मिले OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के जरिए वो कर पाएंगे साइन अप। साथ ही में ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय उन्हें अपलोड करनी होगी सरकारी संस्था द्वारा जारी किए गए अपने एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ की स्कैन्ड कॉपीज। रजिस्टर होने पर आप पाएंगे अपना एक पर्सनल अकाउंट, जहां स्कैन करके अपलोड करिए अपने सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स और उन्हें ई साइन करके लॉक कर दीजिए इस लॉकर में। हो गया ना, इन डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करना नामुमकिन। इतना ही नहीं, अब ई डॉक्यूमेंट्स को तुरंत ही एक्सेस, ई साइन, स्टोर और शेयर करने की ये सुविधा अब नागरिकों के लिए उपलब्ध है उनके मोबाइल पर भी डिजिटल लॉकर मोबाइल ऐप के जरिए। और एक बार कागजों का बोझ घटेगा तो सरकार भी नागरिकों को प्रदान कर पाएगी कुशल नागरिक केंद्रित सेवाएं। अब न धक्के खाएगा न वक्त गवाएगा, बल्कि सैकड़ों पेड़ों को कटने से बचाएगा इंडिया। आखिर टेक्नोलॉजी का मतलब ही तो है बचाना, चाहे वो वक्त हो या लेबर, पेड़ हो या पैसा। बड़े बड़े लोगों के पास तो 100 रास्ते होते हैं, पर जो एक छोटे से छोटे आदमी की जिंदगी को भी आसान बनाए उसे कहते हैं डिजिटल इंडिया। अब बैंक का काम हो या बीमे का, एडमिशन हो या पासपोर्ट, कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक, शेयर और रिलैक्स। डिजिटल लॉकर, क्रिएटिंग पेपर फ्री इंडिया। आइए बनाते हैं पेपर फ्री इंडिया, पेपर फ्री नागरिक सेवाएं, पेपर फ्री सरकार।